अस्सलाम वालेकुम सीएस एस्पिरेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो आए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमारा 11th लेक्चर है सीएसएस क्रिमिनोलॉजी। तो हम देखते हैं आज हमारा कौन सा टॉपिक है। सीएसएस क्रिमिनोलॉजी लेक्चर 11। 11 नंबर लेक्चर में आप अपने सिलेबस को देखें तो हम सेकंड पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। तो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के एंड पर वाले कुछ पॉइंट्स आप देखें, आपके सिलेबस में लिखा होगा जुवेनाइल करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस, और इसके साथ लिखा होगा नॉन प्यूनेटिव अल्टरनेटिव्स। ये एक मेन हेडिंग है, ये इसकी सब हेडिंग है। सबसे पहले हम इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे कि करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं। लफ्ज़ ये जो है जुविनाइल, इसका तो आपको पता है, कोई भी ऐसा यंग बच्चा जिसकी एज 18 साल से कम है, अगर वो कोई जुर्म करता है तो हम उसको ऐसा क्या ट्रीट करते हैं, जुविनाइल ट्रीट करते हैं। इस पर मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। अब आप पूछ रहे होंगे कि सर ये करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस का लफ्ज़ तो कभी नहीं सुना, ये कौन से इंस्टीट्यूशंस होते हैं, करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस बेसिकली अमेरिका और यूरोप में जेल का अल्टरनेटिव है। ये जो लफ्ज है ना जी, जेल या जुविनाइल प्रिजनर्स, प्रिजन्स, जेल खाना जात, हवालात, कुछ कंट्रीज में फिलॉसफी ये अपनाई जाती है कि चूंकि जो बच्चे होते हैं ना जी, वो बच्चे होते हैं, अब वो गलती करते हैं किस बिना पर, किसी के कहने पर, लेकिन उनकी अपनी इंटेंशन, अगर कोई बहुत छोटा बच्चा है तो गुनाह में वो तो अंडरस्टैंड ही नहीं करता कि किसी को मारने का मतलब क्या है। 4-5 साल के बच्चे की इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो इसके पीछे फिलॉसफी ये है कि जो इस तरह के बच्चे हैं उनके लिए बजाय कि हम जेल का लफ्ज इस्तेमाल करें, बजाय हम उनको हवालात का लफ्ज इस्तेमाल करें, उनके लिए करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए, ये ज्यादा बेटर है। तो ये जस्ट एक फिलॉसफी है, एक आइडियोलॉजी है, जस्ट एक माइंडसेट चेंज करने का नाम है। तो करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस, जुविनाइल करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस, इसका मतलब है कि जो अब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर जो जेल खाना जाते हैं, प्रिजन डिपार्टमेंट्स हैं जेल के, वहां पर बच्चों को ट्रीट करने के लिए सेंटर बनाए गए हैं, सेपरेट सेंटर बनाए गए हैं जेल के अंदर ही। वहां पर बच्चों को हर किस्म की फैसिलिटी दी जाती है, एक अच्छा टीचर दिया जाता है जो उनको पढ़ाता है, उनकी मोरल अपग्रेडेशन करता है, उनको सोशली पढ़ाता है, उनके जो है उनको देखता है उसकी नेचर क्या है बच्चे की, उसके मुताबिक उसको ट्रीट करता है। और अगर उसका बिहेवियर क्रिमिनल हो चुका है तो उसको पढ़ा पढ़ा के अच्छा करता है, उसकी ब्रेन वॉश करता है। तो इसमें बेसिकली इसका मतलब यह हुआ कि जुविनाइल जेल्स या फिर प्रिजन्स, जुविनाइल करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस, अंडरस्टैंड। अब एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि जुविनाइल करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस क्या क्या रोल है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो देख लेते हैं। करेक्शनल इंस्टीट्यूशन इज सिनोनिम्स टू जेल्स, ये जेल का ही एक अल्टरनेटिव यूज लफ्ज होता है डेवलप्ड कंट्रीज में। अब पाकिस्तान में तो इसलिए इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि हम तो जेल को जेल ही कहते हैं, हम तो प्रिजन ही कहते हैं। डिफरेंट जुबिनाइल जेल्स परफॉर्म्स फॉलोइंग फंक्शंस फॉर जुबिनाइल ऑफेंडर्स, जो जुबिनाइल ऑफेंडर्स हैं उसके साथ क्या ट्रीट किया जाता है, या जो कन्विक्टेड बच्चे हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि नॉन प्यूनेटिव अल्टरनेटिव, आपसे पूछा यह गया है कि जुबिनाइल करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं अगर बच्चों को सजा नहीं दी जाएगी, अगर बच्चों को फांसी नहीं दी जाएगी, बच्चों को फाइन नहीं किया जाएगा, तो फिर बच्चों के साथ जेल में क्या ट्रीट किया जाएगा। तो बच्चों के लिए फिलॉसफी ये होती है नॉन प्यूनेटिव अल्टरनेटिव। प्यूनेटिव लफ्ज निकला है पनिशमेंट से, पनिशमेंट का मतलब होता है सजा, तो नॉन प्यूनेटिव का क्या मतलब हो गया, अगर बच्चों को सजा ना दी जाए। अब जो है फिजिकल बच्चों को, अब जो बड़े चोर डकैत हैं जिनके 40-50 साल है, उनको तो
फिजिकली डांटा भी जाता है, मारा भी जाता है, बच्चों को नहीं मार सकते। तो बच्चों को, अगर बच्चों को आप सजा नहीं देंगे, नॉन प्यूनेटिव सजा नहीं देंगे, तो अल्टरनेटिव क्या होगा फिर? नॉन प्यूनेटिव अल्टरनेटिव्स, अगर सजा नहीं देंगे तो उसका अल्टरनेटिव्स फिर आप क्या करेंगे बच्चों के साथ? आप फिर बच्चों के साथ ये काम करेंगे, बच्चों को आप सोशल एंड मोरल स्किल्स सिखाएंगे। जो बच्चे 8, 10, 12 साल के हैं, जितने के भी हैं, जिसने जन्म किया है, जेल के अंदर एजुकेशन आप उनको देंगे, स्किल्स देंगे, टेक्निकल एटसेट्रा, सोशल एंड मोरल स्किल्स, लर्निंग एजुकेशन। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो आप उसको जेल के अंदर ही स्टडी की एक अपॉर्चुनिटी उसको अवेल करवाएंगे कि यहां पर टीचर अवेलेबल है, बच्चे पढ़ भी सकते हैं। टेक्निकल स्किल्स, उनको कुछ ऐसी स्किल्स सिखा दी जाए कि वो, उनके पास एक हुनर हो, जब वो जेल से बाहर जाएं, 6 महीने साल लगाकर, जितना भी अरसा है, बच्चों को मैक्सिमम 3 साल से ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती। तो उस अरसा में उसकी एजुकेशन, उसकी मोरल डेवलपमेंट, उसकी सोशल डेवलपमेंट, उसकी टेक्निकली उसको कुछ ना कुछ सिखाया जाए, ताकि वो अगर जॉब भी करना चाहे बाहर जाकर, अपना कोई हुनर आता हो उसको, कुछ उसकी स्किल्स पॉलिश हो, उसको कोई लैंग्वेज आती हो, अगर वो अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहे वो कर सके, एटसेट्रा। प्रोबेशनल एक्टिविटीज एंड लर्निंग, ये जो प्रोबेशन पर मैंने आपको एक कंप्लीट लेक्चर दिया हुआ है, प्रोबेशन क्या होता है। तो प्रोबेशन के दौरान अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो उसकी लर्निंग एटसेट्रा, रिहेबिलिटेशन होता है, रिहेबिलिटेशन, अगर कोई बच्चा माजूर है तो उसको उसकी फील्ड के लिहाज से वो क्या कर सकता है अपनी जिंदगी में, उसको उस रास्ते पर गामजन करवा देना, उसको ऐसी स्किल्स दे देना टेक्निकल, ताकि वो कुछ ना कुछ कर सके अपने लिए। अंडरस्टैंड? तो ये बेसिकली एक टॉपिक था कि जो जुबिनाइल करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो जेल खाना जाते हैं, प्रिजन डिपार्टमेंट्स हैं, अगर वो सजा नहीं देते, आपकी अदालतें सजा नहीं देती, तो फिर उनके पास नॉन पुनिटिव अल्टरनेटिव क्या है सजा का? तो जेल खाना जात या करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस के पास ये कुछ अल्टरनेटिव्स हैं कि अगर बच्चे को सजा नहीं दी जाएगी तो बच्चे के साथ इस तरह ट्रीट किया जाएगा, उनको पढ़ाया जाएगा, लिखाया जाएगा, उनको स्किल्स दी जाएंगी टेक्निकली उनको उन पर मेहनत की जाएगी, उनकी सोशल डेवलपमेंट की जाएगी, उनकी ब्रेन वॉश किया जाएगा, उनको अच्छी पर्सनैलिटी, उनकी अच्छी पर्सनैलिटी पर वर्क किया जाएगा। अगर कुछ बच्चे माजूर हैं या मेंटल इलनेस हैं, डिसेबल हैं, तो उनको उनकी डिसेबिलिटी के लिहाज से वो अपनी लाइफ में क्या कर सकते हैं, उस रिलेटेड उनको टेक्निकल स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी। अंडरस्टैंड कर रहे हैं टॉपिक को? तो ये बात आपने अंडरस्टैंड कर ली। अब नेक्स्ट देखते हैं, आपके सिलेबस में लिखा होगा पुलिस एंड इट्स रोल। ये हम अपने राउंड अबाउट 7 से 8 लेक्चर आप देखेंगे तो उसमें हम पुलिस का रोल डिस्कस कर चुके हैं। ट्रायल एंड कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, ट्रायल्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारा प्रीवियस लेक्चर देख लें जिसमें हमने लिखा था ट्रायल, प्री ट्रायल एटसेट्रा। ट्रायल पर हमारा पूरा लेक्चर अवेलेबल है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और एंड पर है एजेंसीज, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजेंसीज टू कंट्रोल क्राइम। क्राइम को कंट्रोल करने के लिए जो फॉर्मल एजेंसीज हैं उनका क्या रोल है, जो इनफॉर्मल एजेंसीज हैं उनका क्या रोल है। अब फॉर्मल एजेंसीज कौन सी होती हैं, जो स्पेसिफिकली कंट्रोल क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई हैं, जिस तरह के आपकी पुलिस, आपकी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है FIA, इस तरह क्राइम को कंट्रोल करने के लिए जितनी भी एजेंसीज बनाई गई हैं उनका क्या रोल है, और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनका क्या रोल है। आइए देखते हैं। फॉर्मल एजेंसीज में आपकी आ जाएंगी फॉर्मल एजेंसीज टू कंट्रोल क्राइम। ये कौन सी हो सकती हैं, पुलिस, CID क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस एटसेट्रा। ये कुछ एजेंसीज हैं, इनको आप ऑर्गेनाइजेशंस कह लें क्रिमिनल की, जो क्राइम्स को डील करते हैं, क्राइम्स को होने से बचाते हैं। पुलिस का रोल, एजेंसीज का रोल ऑलरेडी हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। इन सब एजेंसीज का एक ही काम होता है, क्राइम्स को रोकना, और अगर क्राइम हो जाए तो उनको अदालत के सामने पेश कर देना, कोर्ट के सामने, ताकि कोर्ट एक फैसला करे उनके बारे में। बेसिकली इनका प्राइम पर्पज यही होता है कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए, या किस तरीके से भी जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको एनफोर्स करके क्राइम का खात्मा की जाए, क्राइम को होने से रोका जाए।
इस पर 8 से 10 पॉइंट पुलिस के रोल पर हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। इनफॉर्मल एजेंसीज अब कौन कौन से हो सकती हैं टू कंट्रोल क्राइम? फॉर्मल एजेंसीज तो वो है ना जो स्पेसिफिकली इसी मकसद के लिए बनाई गई हैं कि क्राइम को कैसे कंट्रोल करना है, और वो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब इसके अलावा जो इनफॉर्मल हो सकती हैं, इनफॉर्मल सबसे पहले बच्चे का घर होता है, बच्चा घर से सीखता है। तो इनफॉर्मल एजेंसीज में आपकी फैमिली आ जाती है, आपका स्कूल आ जाता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आपका कॉलेज यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं, पीर ग्रुप्स आ जाते हैं, मिलना जुलना आपका किन लोगों के साथ है, और सोशल सर्कल्स आपके दोस्त यार आपकी कम्युनिटी आ जाती है। तो ये तमाम जो है ये सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं। इन सोशल इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है वो भी मैं आपको बता चुका हूं कि आपकी आपको एक अच्छी तरबियत देना, बच्चे की पहली तरबियत जो है वो माँ की गोद है, बच्चा माँ की गोद से सीखता है, फैमिली का ये रोल है। फैमिली का रोल है आपको पढ़ाना लिखाना, आपको टेक्निकली इंप्रूव करना, आपको शेल्टर प्रोवाइड करना एंड लॉट ऑफ। तो ये बेसिकली हमारा एक सिंपल सा टॉपिक है। अगर इस पर आप डिटेल से देखना चाहते हैं कि इनका क्या रोल है, रोल ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, तो आप हमारे सोशल वर्क के, मेरा सेम लेक्चर सोशल वर्क का भी अवेलेबल है, उसमें ये टॉपिक है सोशल वर्क में कि इनफॉर्मल एजेंसी जो है या रोल ऑफ ये सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका इंसानी जिंदगी में क्या रोल है। तो इनका जो इंसानी जिंदगी में रोल है, इनका वही रोल है क्राइम्स को कंट्रोल करने में। तो अगर आपको ज्यादा डिटेल चाहिए अच्छे तरीके से, तो आप वो उस लेक्चर को भी सुन सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ सिंपल सा टॉपिक था हमने देखा। अब मैं आपको बताता चलूं कि ये जो एजेंसीज हैं, ये सवाल आपके एग्जामिनेशन में आ चुका है, वहां पर आपसे ये पूछा गया है, गलबन 2018 या 19 का पेपर है आई थिंक, या फिर 2020, वहां पर पूछा गया कि एजेंसीज का क्या रोल है क्राइम्स को कंट्रोल करने में। तो सबसे पहले आपने ये काम करना है, आपने लिखना है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजेंसीज। अगर आप पुलिस लिख रहे हैं, 8 से 10 पॉइंट आपके पास होने चाहिए, पुलिस के, सीआईडी के, इन्वेस्टिगेशन किस तरह करते हैं क्या नहीं करते, जनरल सी बातें हैं, मकसद एक ही है क्राइम्स को कंट्रोल करते हैं, और फैमिली का क्या रोल है, इनके क्या इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी क्या वर्किंग है, बच्चों को कैसे घर में सिखाया जाता है, ये सब कुछ इस पर भी लेक्चर अवेलेबल है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब हम जब डिटेल में हमारी बुक में भी इंशाल्लाह पब्लिश हो जाएगा, और जब हम पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे तो इस सवाल को हम डिटेल में, अब यूं यहाँ पर चूंकि जगह भी कम है और टाइम भी कम है, लेकिन जब पास्ट पेपर हम सॉल्व करेंगे तो इसी क्वेश्चन को, एजेंसी वाले क्वेश्चन को जो हमारे एग्जामिनेशन में आ चुका है, हम बड़ी डिटेल से इसकी हेडिंग्स बनाकर मैं वहां आपको बताऊंगा। लेकिन यहां पर फिलहाल आप अंडरस्टैंड कर लें कि फॉर्मल एजेंसीज क्या होती हैं, इनफॉर्मल क्या होती हैं, फॉर्मल एजेंसीज का रोल क्या और इनफॉर्मल का क्या रोल है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस, इनकी वर्किंग क्या है। अंडरस्टैंड? तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।